सो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. कैसे गए एग्जाम्स? मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर हुआ था और फर्स्ट एग्जाम अकाउंट्स का था. तैयारी अच्छी थी बट पेपर देखा तो ठीक है, अच्छा लगा. जब करने लगा तो यार ऐसा लगा कि यार पेपर थोड़ा बड़ा है, लेंदी है. मैं कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा. और फिर अल्टीमेटली हुआ कि वो एग्ज़ाम छूट गया. मैंने देखा बहुत सारे लोगों का छूटा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सबका ही छूटा है तो फिर सबका ही सेम गया, कोई बात नहीं. फिर उस वजह से क्या हुआ, बाकी सारे एग्जाम्स थोड़े कम अच्छे गए क्योंकि डीमोटिवेट हो गए. हूँ तो मैं भी स्टूडेंट ही. अब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, जो करना था कर दिया, अब रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे. बट प्रिकॉशन लेना तो बनता है. अगर एग्जाम्स ठीक ठाक गए या थोड़ा खतरा है, देखो सबने एग्जाम्स दिए हैं, सबको पता है कि उन्होंने क्या लिखा है, कितना लिखा है, कैसा लिखा है, तो सबको पता है कि उनका क्या होना है किस एग्जाम में. सब अपने आप से सच बोलो कि यार मेरा एग्जाम ही ऐसा गया है और मुझे पता है कि इसमें मेरा क्या होना है, कितने मार्क्स आने हैं. हर स्टूडेंट को पता होता है कि यार इस एग्जाम में ये होगा, तो अपने आप से सच बोलो कि हाँ इस एग्जाम में मैं लुढ़क रहा हूँ, इस एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करो. अगर बोल ग्रुप दिए थे तो लग रहा है बोध गए, तो फिर फर्स्ट की पढ़ाई शुरू कर दो या दोनों में से एक ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दो. धीरे धीरे करो. अब एग्जाम खत्म हुए, प्रेशर बहुत है अपन पे अभी से, क्योंकि एग्जाम खत्म हुए हैं, अच्छे भी नहीं गए तो फिर बहुत प्रेशर लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया. तो एकदम से फुल लेंथ पे पढ़ाई शुरू करोगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी और मन भी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत थक गए हम पढ़ पढ़ के. तो धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे फोकस बढ़ाओ. तो अभी मई में तो धीरे धीरे स्टार्ट कर दो. फिर कोई सब्जेक्ट की अगर कोचिंग लगानी है कि यार पढ़ा था मैंने पहले बट अब कुछ याद नहीं रहा, या कोचिंग पर ध्यान भी नहीं दिया होगा पहले, बहुत मेरे साथ भी हो चुका है, कोचिंग पर ध्यान नहीं देते, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं कि हाँ हाँ कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है. तो ठीक है कोई बात नहीं, अब सोचो कि यार क्या मुझे कोचिंग की ज़रूरत है किस सब्जेक्ट में. अगर लग रहा है कि हाँ ज़रूरत है तो उसको अभी से लगा लो. अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया था, फर्स्ट ग्रुप में पास हो रहे हो, मज़ा आ गया, तो सेकेंड ग्रुप की कोचिंग करनी होगी तो उसकी कोचिंग रिजल्ट से पहले तो ख़त्म कर डालो. कोचिंग बढ़िया हो जाएगा यार, 2.5 months है, 3 सब्जेक्ट की कोचिंग है सेकेंड ग्रुप की, हो सकती है ख़त्म आराम से अगर आप चाहो तो, है ना. अपने कंडीशन को, सिचुएशन को एनालाइज करो अच्छे से और देखो कि यार मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सच में ज़रूरी हैं. अगर आपको लगता है कि बोथ ग्रुप पास हूँ मैं तो पक्की बात है, तो बहुत अच्छे, तो फिर थोड़ा टच में रहो, थोड़ा सा टच में रहो अपने सब्जेक्ट के साथ, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या फिर इनकम टैक्स है, तो ये सब चीज़ें आपको आर्टिकलशिप में, इंटरव्यू में पूछी जाएंगी. तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैं तो नहीं पढ़ रहा, चाहे कुछ भी कर लो बाहर में जाए, नहीं, थोड़ा टच में रहो, थोड़ा सा मतलब कि हाँ इनकम टैक्स पढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, मुझे टी आई निकालने आते हैं, ऐसे ऐसे होनी चाहिए बातें, चीज़ें होनी चाहिए. स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यार आर्टिकलशिप में जाओगे इंटरव्यू देने तो वो कैसे ले लेंगे कि आ जाओ, वो इंटरव्यू लेंगे ना तो वो तुमसे चीज़ें पूछेंगे. तो अगर तुम बोथ ग्रुप पास भी होने वाले हो, तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस है, तो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें टच में रहो. आपके पास बहुत टाइम है सोचने का, बहुत टाइम है, बट इस टाइम को सिर्फ सोचने में मत निकाल देना कि यार मैं सोच रहा हूँ अभी, है ना. इसमें शुरू कर देना. वैसे मई है, मई के टाइम में 15 days बचे हुए हैं, तो 15 दिन में आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई वापस चालू कर दूं? अभी तो पेपर ख़त्म हुए हैं, कर दो चालू, बट फुल फ्लेज्ड फुल लेंथ पे चालू नहीं कर पाओगे यार. ट्राई करोगे ना पढ़ाई होगी, ना रेस्ट होएगा, ना एंजॉयमेंट होएगा. थोड़ी शांति तो हर इंसान को चाहिए होती है, एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट तो हर इंसान को चाहिए ही होता है. तो घूम फिर के यही चीज़ आती है एंड में कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोचिंग करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो मत करो, पढ़ाई करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो, बट टच में रहो, है ना. तो इस वीडियो का वैसे तो मतलब कंक्लूजन ये है कि अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और आपको सबको पता होगा कि क्या हालत है. तो एनालाइज करो और देखो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है. ओके गाइज, बाय. बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं नवंबर 17 वाले स्टूडेंट्स के लिए. नवंबर 17 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगा कि यार सब्सक्राइब कर लो बस, इतने अच्छे अच्छे इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं तो बनता है सब्सक्राइब करना, है ना. और अपने फ्रेंड से भी बोल दो कि आ जाएं, माहौल बनाएंगे इस चैनल पे. ओके, सो बाय, सी यू सून.